मुंब्रा के जीवन बाग में बानो कॉम्प्लेक्स में आज दोपहर में ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम की सीलिंग गिरने से लड़के की मौत हो गई। मृतक लड़के की उम्र 4 साल है, नाम मुनाजा बताया जा रहा है। लड़के की मां मुस्कान ने बताया कि उनके पति के पैर में सरिया लग गया है, जबकि एक छोटा बच्चा घायल है, यानी कि एक लड़के की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। हादसा दोपहर करीब 12 बजे के आसपास हुआ है। मुस्कान ने बताया, रूम के मालिक को बताया गया था कि 6 से महीने सीलिंग लटक रही है, मगर रूम मालिक ने दुरुस्त नहीं कराया और हादसे में आखिरकार एक बच्चे की जान चली गई। बेटा क्या नाम है आपका? मुस्कान। तो आप किधर रहते हैं मुंब्रा में? ये जगह का नाम क्या है? जीवन बाग। ये बिल्डिंग का नाम? बानो कॉम्प्लेक्स। बानो कॉम्प्लेक्स में आप कब से रह रही? 2 साल से आप यार। तो ये जो रूम में हादसा हुआ है, क्या पूरी तरह ये हादसा था, किस तरीके से हुआ? हम लोग तो बहुत कंप्लेंट करते थे रूम वाले अंकल को, पर वो कुछ काम नहीं कर रहा था। क्या है? सीलिंग गिरी ऊपर की, सीलिंग गिरी बच्चे के ऊपर और बच्चे का इंतकाल। हाँ। कितने साल की बच्ची? 4.5। नाम क्या है? मुनज्जा। तो आपने कुछ पुलिस कंप्लेन अभी की है? नहीं, कुछ नहीं की है। और पुलिस आई थी? हाँ। मेरा एक ये है, ये सीलिंग कब से लटकी हुई थी? 3-4 महीना हो गए। 3-4 महीना हो गए। आपने ये रूम मालिक को कंप्लेन की थी? करे थे कंप्लेन। रूम मालिक का नाम क्या है? असलम कुरेशी। तो आप इनको लगातार 2-3 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं कि सीलिंग लटक रही है, और उसके बावजूद भी मतलब वो सीलिंग पे रूम मालिक ने ना बनाने आए ना कोई ध्यान दिया, और उसको लेके इतना बड़ा हादसा हो गया। पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करेंगी? ये जो हादसा हुआ है आपके घर में, आपकी बच्ची का, बस मेरे बच्चे के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। वो मतलब रूम मालिक की इसमें लापरवाही है, सिर्फ भाड़े लेने का काम करते, अपने रूम को दुरुस्त नहीं कराए। हाँ। आपको भी लगाए गए? छोटे गोद वाले बच्चे को लगाए, और एक बच्चे को लगाए, मेरे आदमी को लगाए, पैर में सलिया घुसी, उसके भी पैर में लगाए। जो बच्चे को अभी लगा है घर में है, जो बच्चा, उसका क्या नाम है? मोहम्मद इजान। वो एक साल का बच्चा। दो बच्चे घायल हुए और आप घायल हुए? मियां बीवी है दोनों।